हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी राहु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है राहु की प्लेसमेंट अगर आपके हॉरोस्कोप में D1 चार्ट में मतलब लग्न चार्ट में थर्ड हाउस में है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। अगर उसी जगह पर राहु लिखा हुआ है, नंबर चाहे जो भी हो, आपकी राशि कोई भी हो सकती है, बट जिस प्लेस पर राहु लिखा है अगर वहीं पर आपके लग्न चार्ट में राहु लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। राहु देखिए जब थर्ड हाउस में होते हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको मिलते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, किस तरीके का प्रोफेशन आपको ऑप्ट करना चाहिए और अगर राहु कमज़ोर है तो क्या उपाय करने चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। देखिए राहु हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, राहु इन एस्ट्रोलॉजी, आप एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, राहु और केतु ये जो दो ग्रह हैं ये शैडो प्लैनेट्स हैं, इनविजिबल हैं और ग्रहण लगाते हैं, जब ग्रहण लगाते हैं तब ये विजिबल होते हैं, अदरवाइज़ हम इन्हें ऐसे नहीं देख सकते जैसे हम बाकी प्लैनेट्स को देख सकते हैं। राहु और केतु ये एक ही राक्षस के दो पार्ट हैं, राहु अपर पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, दैट इज़ फेस मुंह, और केतु जो है वो धड़ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर भानु नाम का राक्षस था, समुद्र मंथन में उसने देवताओं के साइड बैठकर अमृत पीने का उसको ध्यान आया कि शायद राक्षसों को ना मिले, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और जैसे ही राहु केतु ने मतलब स्वर भानु ने अमृत का पान किया वैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने उठकर कहा कि प्रभु ये तो राक्षस है। तो मोहिनी अवतार में थे भगवान विष्णु, उन्होंने अपने सुदर्शन को आह्वान किया और सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का गला काट दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था तो जो ऊपर का पार्ट है वो राहु कहलाया और नीचे का पार्ट केतु कहलाया। तो ये दोनों हमेशा एक से सातवें एक्सिस पर रहते हैं और राहु जो है वो अपर पार्ट है। राहु क्या है, ऑब्सेशन को दर्शाता है, क्योंकि स्वर भानु को ऑब्सेशन था कि मुझे अमृत पीना है, उसको ज़िद थी, उसने वेट नहीं किया, पेशेंस नहीं रखा और वो इंट्यूटिव था, उसको एक अंदर से एक अंदेशा था कि शायद राक्षसों को अमृत नहीं मिलेगा। तो राहु के अंदर बाय बर्थ, जिसका भी राहु एक्टिव है उसके अंदर बाय बर्थ ये क्वालिटी देखी जाती है कि वो ऑब्सेस्ड होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं। राहु ज़िद है, राहु ऑब्सेशन है, राहु आपका पर्पस है। इस लाइफ में आपकी पिछले जन्म की कौन सी अधूरी इच्छा थी जो आप पूरी करना चाहते हो वो हम राहु की प्लेसमेंट से देखते हैं। राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है उससे भी हम देखते हैं और राहु जिस जगह पर बैठे हैं आपके बर्थ चार्ट में वहाँ से भी गाइडेंस मिलती है। राहु इल्यूजन है, राहु आपको ना एक इमेजिनेशन पावर देता है, ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की एबिलिटी देता है जो नॉर्मली इंसान नहीं सोच सकता, सोच से परे, ठीक है। अब बात करें थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस आपका करेज है, आपका विल पावर। जैसे हम ये देखें अगर बर्थ चार्ट में कि कौन कितना ताकतवर है, अंदर से कौन कितना मजबूत है, तो हम थर्ड हाउस को देखते हैं। आपके छोटे भाई बहन को भी दर्शाता है थर्ड हाउस, आपके सिबलिंग्स को, जो शॉर्ट जर्नीज होती हैं उसको भी थर्ड हाउस दर्शाता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन को भी थर्ड हाउस दर्शाता है, ओके। अब बात करें अगर राहु थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके राहु अकेले ना हो और भी कोई ग्रह साथ में बैठा हो, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम युतियों की वीडियोस लेकर आएंगे। अभी अगर मैं राहु का इन जनरल आपको असर बताऊं कि किस तरीके का इफ़ेक्ट होगा, तो अगर राहु आपके थर्ड हाउस में है तो सबसे पहले तो ये राहु के लिए बेस्ट हाउस माना गया है और राहु जब भी थर्ड में होते हैं तो ज़्यादातर ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं। अपने मित्र राशि में हो तो बहुत अच्छा है, मिथुन राशि में हो बहुत अच्छा है, ठीक है, अक्वेरियस में हो बहुत अच्छा है, शनि की राशि में हो तो भी बहुत अच्छा है। तो ये अपने मित्रों की राशि में होंगे तो ये अच्छा परिणाम दे सकते हैं। सेकंड चीज़ कि राहु क्या है, करेज आपको बहुत ज़्यादा देता है, आपको बहुत डेयरिंग स्वभाव का बना देता है, आपको किसी से डर नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं आप देखोगे कि 10 लोग सामने खड़े हों लेकिन वो अपना सीना चौड़ा करके पहुंच जाते हैं कि हाँ किसी में दम हो तो आ जा मेरे सामने,
तो ये राहु वाले होते हैं, जिनका राहु एक्टिव होगा और थर्ड हाउस में होगा, बहुत ज़्यादा पावर उसके अंदर होती है बाय बर्थ। उसको ऐसा लगता है कि कोई भी चैलेंज आ जाए मैं निपट लूँगा या निपट लूँगी, तो डेयरिंग स्वभाव के होते हैं। इनको कंफर्ट बहुत पसंद होता है, लग्जरी बहुत पसंद होती है, पैसे आने चाहिए इनके पास, और ये कोई भी तरीका अपना सकते हैं पैसे को अर्न करने के लिए। इनको ये नहीं है कि मुझे राइट पाथ से ही पैसे अर्न करना, इनको इजी मनी चाहिए। ये कोई ऐसा पाथ अपना सकते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी ये अर्न कर सकें और इनके लाइफ में सारी लग्जरीज रहें, हर तरीके की सुख सुविधा साधन से संपूर्ण। राहु जब थर्ड हाउस में होते हैं तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए अच्छे माने जाते हैं, ये देर सबेर आपको धन देते ही हैं, किसी भी तरीके से अनएक्सपेक्टेड इनकम्स आपकी होती हैं। राहु जब थर्ड में होते हैं क्योंकि ये डेयरिंग बनाते हैं, करेजियस बनाते हैं, आपका विल पावर स्ट्रांग होता है, तो ऑब्वियसली आप कोई भी कॉम्पिटिशन हो, कोई भी एनिमीज़ हो, आप उनको हरा सकते हैं। लोग आपसे डरते हैं, उनको पता होता है कि बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो एनिमीज़ कभी आपको हल्के में नहीं लेते, और आप भी रेडी रहते हैं हमेशा चैलेंजेस को फेस करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स को फेस करने के लिए। आपको मटेरियल जो पोजीशंस हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो गई, और अच्छे से अच्छे ब्रांड के क्लोथ्स हो गए, अच्छे से अच्छा रॉयल लाइफस्टाइल, ऐसा देखा गया है कि राहु जब तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसे जातकों को या तो बाय बर्थ उनको मिलता है, ऐसे जातकों को आप देखोगे कि इनके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो बाय बर्थ इनको मिलता है, माँ से मिलेगा, डैडी से मिलेगा, और या तो फिर ये अर्न करते हैं अपने बलबूते पर, लेकिन इन्होंने लाइफ में बहुत सारा मटेरियल पोजीशंस बनाना ही होता है। थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक, अगर बच्चे हैं तो भी ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, आप देखोगे कि किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपने मन की करेंगे, और जो बोल दिया वो चाहिए, नहीं मिला तो रोना धोना, सारा ड्रामा कर देना, और जैसे ही मिल गया शांत हो जाना अपने काम से काम। तो जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना, उनका राहु या तो डेफिनेटली फिफ्थ में होगा या थर्ड में होगा। साथ ही साथ ये लव इंटरेस्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इन्होंने अगर किसी को प्यार कर लिया, किसी को पसंद कर लिया, तो ये उसके लिए कोई भी लॉ ब्रेक कर सकते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कास्ट का है, किस धर्म का है, कौन सी जाति का है, किस तरीके का है, उसकी ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ द बाउंड्री अनयूजुअल रिलेशनशिप्स इनके हो सकते हैं, जो लोग, समाज, सोसाइटी एक्सेप्ट ना करें वो काम ये करेंगे ही करेंगे, ऐसी इनकी एनर्जीज होती हैं। साथ ही साथ इनका माइंड बहुत शार्प होता है, ऐसे जो जातक होते हैं, कई बार आप देखोगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई टेंशन ही नहीं होती पढ़ाई की, कुछ बच्चे हैं जो पूरे साल टेंशन लिए होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पता होता है कि हम 80-90% तो ऐसे ही पा जाएंगे, और वो लास्ट के जब टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तब उनको स्ट्रेस होता है कि हाँ अब मुझे पढ़ना चाहिए, शायद समय आ गया है, और वो पढ़कर उतना नंबर जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं पा जाते हैं। तो सबको ये लगता है कि यार ये तो पूरे साल खेल ही रहा था, कूद रहा था, इधर उधर मस्ती कर रहा था, ये कैसे इतना नंबर पा गया। तो ये बहुत शार्प माइंड होते हैं, इनकी जो रटंत विद्या जिसे हम कहते हैं ना, रट लेते हैं सारी चीज़ें या उतार लेते हैं अपनी इमेज में, ये सेव कर लेते हैं, इनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। हाईली इंट्यूटिव होते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है। ज़्यादातर जातक जिनके थर्ड हाउस में राहु हो, आप देखोगे कि ये आपको ना कोई सपने आपको बता दें, अगर इन्हें सपने पहले आ जाते हैं, कोई भी इवेंट होने के पहले ही इनको घटना दिख जाती है, ये बताएंगे बट लोग विश्वास नहीं करते, बट कुछ टाइम पीरियड में आप देखोगे कि वही घटना आपकी लाइफ में घटित होगी। तो इनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है, इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल होती है। ऐसे जो जातक होते हैं, इन्हें आप कह सकते हो कि ये भले लाइफ में लोन लें लेकिन किसी का कर्ज़ा लेकर मरते नहीं हैं, ये अपने जीते जी ज़्यादातर लोगों के जो भी कर्जे वर्जे हैं सब उतार देते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा कार्मिक डेप्ट नहीं रखना पसंद करते। इन्हें शॉर्ट जर्नीज बहुत पसंद होती हैं, एक दिन का भी वेकेशन है तो ये अगल बगल कहीं आसपास निकल जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है। तो अगर ये वर्किंग है और इनके पास दो दिन का लीव है तो ये घर में आराम नहीं करेंगे, इनके पैर में चक्र होता है, ये भागेंगे बिल्कुल, कहीं ना कहीं घूमने जाना है मतलब जाना है, इस तरह की इनकी एनर्जी होती है।
ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि प्रॉपर्टी इनके नाम पर ज़रूर होती है या फिर ये अपने नाम पर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, इन्हें फॉरेन जाने का बड़ा शौक़ होता है। फॉरेन की जो, अब जैसे कुछ जातक होते हैं आप देखोगे जो कि फॉरेनर से दोस्ती करते हैं, सोशल मीडिया पे उनके फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा होंगे, या फॉरेन से रिलेटेड कंपनीज़ में जॉब करना या फॉरेन जाने के लिए क्रेव करना कि मुझे विदेश जाना है, मुझे तो एक बार तो ट्रैवल करना है। और जब ये विदेश जाएंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि यार सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ना अपने देश से दूर, अपने बर्थ स्थान से, जो आपका जन्म स्थान है उससे दूर जाने की बड़ी कोशिश करते हैं। और अगर ये दूर जाते हैं ना तो इनका राहु और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ज़्यादा फल देता है। आप देखोगे कुछ लोगों के विदेश में जाते ही बहुत लेविश होम हो जाते हैं, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, वेल सेटल्ड हो जाते हैं। लोग कहेंगे कि यार इसको तो 2-3 साल ही हुए लेकिन इसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, ऐसा कौन सा काम कर रहा है ये विदेश में जाके। कई लोगों को डाउट भी होता है इनके सक्सेस से। तो ऐसे जातक का राहु आप देखोगे तो 3rd हाउस में हो सकता है, या फिर 7th हाउस में हो सकता है, या फिर 11th में हो सकता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे ये बड़ा एक्टिव रहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। जैसे कुछ लोगों को देखोगे कि नया फ़ोन आया, भले उनके हाथ में एकदम एक नंबर का फ़ोन हो लेकिन कोई नया लॉन्च हुआ उनको चाहिए, उनके लिए फिर पुराना फ़ोन बेकार है, वेस्ट है। एक बाइक है बट उससे बेटर बाइक आई तो इनको चाहिए। हमेशा नई टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ऐसे जो जातक होते हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसे जातकों को ना मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे बचपन में से ही इनको सीखने का मन करेगा कि हिंदी इंग्लिश है अपनी जो मदर टंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल मदर टंग है मराठी, भोजपुरी, बिहारी, जो भी मतलब इनकी मदर टंग है। मदर टंग और इंग्लिश हिंदी के अलावा भी इनके पास आप जाओगे तो इनको या तो फ्रेंच आती होगी या जर्मन आती होगी, कोई ना कोई भाषा इनको एक्स्ट्रा में ज़रूर आती होगी या इन्होंने सीखा होगा। इनको बड़ा क्रेज़ होता है क्योंकि बाहर जाना है ना, इनको अंदर से ही बचपन से ये रहता है कि मुझे तो बाहर जाना है, मुझे तो दूसरे जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो एक्सप्लोर करने की आदत इनकी बड़ी होती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डेयरिंग होने के साथ साथ ये धैर्यवान भी होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी शांत रहना, जैसे गौतम बुद्ध हैं बिल्कुल शांत गंभीर, ऐसी प्रवृत्ति होती है इनकी। कोई बड़ा से बड़ा चैलेंज आ जाए ये कहेंगे ठीक है देख लिया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, धैर्य होता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। ऐसे जातक की आयु भी लंबी होती है, अगर राहु नेगेटिव ना हो तो आयु लंबी होती ही है ऐसा देखा गया है। साथ ही साथ चालाक होते हैं, अपना काम निकालने इन्हें बखूबी आता है, बातचीत करके, बातचीत में बड़े तेज होते हैं, अपने बातचीत से शत्रुओं पर भी ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, बातचीत से अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। स्पेशली देखा गया है कि जिनका भी राहु 3rd हाउस में होता है वो 22 वर्ष तक भले किसी पर कोडिपेंडेंट हो बट 22 वर्ष कंप्लीट होने के बाद किसी पर कोडिपेंडेंट नहीं रहते, ये खुद का अर्न करते हैं, खुद का नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करते हैं, प्रगति इनकी शुरू हो जाती है। प्रोफेशन किस तरीके का हो सकता है अगर राहु 3rd में है तो प्रोफेशन सबसे पहले तो देखिए फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, फॉरेन से रिलेटेड कोई कंपनी में जॉब हो गई या फॉरेन जाकर सेटल होने का काम हो गया, सोशल मीडिया पे रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, हाथ से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर ये करते हैं तो इनके लिए बहुत शुभ है, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य, जैसे एंकर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, न्यूज़ रिपोर्टर हो गए, या फिर रिसेप्शन हो गया जहाँ पर क्लाइंट डीलिंग हो गई, इस तरीके के कार्य इनके लिए अच्छे हैं। हाथों से रिलेटेड कार्य जैसे स्टिचिंग का कार्य हो गया, राइटर हो गए, ठीक है, या फिर मजिशियन हो गए, इस तरीके का कोई भी कार्य इनके लिए अच्छा होता है और ये उसमें काफ़ी अच्छा करते हैं। दृष्टि की बात करें तो जब भी राहु 3rd हाउस में बैठते हैं तो ये 5th आस्पेक्ट से 7th हाउस को देखते हैं, 7th आस्पेक्ट से 9th हाउस को देखते हैं और 9th आस्पेक्ट से 11th हाउस को देखते हैं। तो 7वें घर पे, 9वें घर पे और 11वें घर पर इनकी दृष्टि जाएगी 3rd हाउस में बैठ के। 7वें घर पे दृष्टि जाएगी तो ये अपनी मर्जी से शादी करेंगे। ऐसे जातकों को कोशिश करना चाहिए कि 21 साल के पहले तो शादी बिल्कुल ना करें,
ठीक है, अदरवाइज़ शादी टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ऐसे जातकों की लाइफ में शादी ज़रूरी नहीं कि आउट ऑफ द लॉ ही जाए, लेकिन कई बार ये अपनी मर्ज़ी से शादी करते ऑब्सेस्ड होते हैं, या फिर कोई ना कोई इनका ऐसा अफेयर ज़रूर होगा जिसमें ये बहुत हद तक डीपली इन्वॉल्व होंगे, भले बाद में या तो सामने से कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिपेंड ऑन द डेस्टिनी। साथ ही साथ इनके मैरिड लाइफ में ये भी देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनकी शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई है, सपोज़ कि अरेंज मैरिज हुई है, इनका ध्यान हमेशा अपनी पत्नी या पति से हटकर किसी दूसरे की तरफ जाएगा ही जाएगा। ऐसे चांसेस ज़्यादातर देखे गए हैं, भले ये बताएं या ना बताएं, बट ये दूसरे की तरफ ऑब्सेशन रखते हैं, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। नाइन्थ हाउस पर दृष्टि जाएगी तो ऐसे जातक, देखिए नाइन्थ हाउस में केतु बैठे होंगे, तो केतु यहाँ पर अपना इफ़ेक्ट डालते रहेंगे। केतु आपको कहेंगे कि भैया गुरु का शरण में रहो, गुरु की शिक्षा को ग्रहण करो, पिता से शिक्षा ग्रहण करो, ठीक है, एजुकेशन में ध्यान केंद्रित करो, मेडिटेशन करो, साधना करो, रिलीजियस बुक्स पढ़ो, ट्रैवल करो, रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवल करो। लेकिन राहु के इफ़ेक्ट से क्या होगा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉन्ग जर्नी फॉरेन जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पिता से दूरी बन सकती है, पिता से डिटैचमेंट हो सकती है, पिता हो सकता है कम आयु में ही आप पिता से दूर हो जाएं, या पिता की मृत्यु हो जाए, या पिता का हेल्थ प्रॉब्लम रहे, ऐसा भी कई बार देखा गया है, अगर स्पेशली अगर बैड इफ़ेक्ट हो तो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गुरुओं से ना बने, बड़ों से थोड़ा अनबन बना रहे, एजुकेशन में तकलीफ़ हो, हायर लर्निंग्स में प्रॉब्लम आए, ऐसी सिचुएशन कई बार देखी गई है। इलेवेंथ हाउस पे दृष्टि जाएगी तो ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम रिकॉग्निशन आप अर्न करेंगे, नेटवर्क सर्कल्स आपके ह्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों से आपको लाभ मिल सकता है, दोस्तों के थ्रू लाभ होना, बड़े भाई बहन के थ्रू लाभ होना, ऐसी सिचुएशन देखी गई है। लेकिन अगर यहीं पे राहु बैड इफ़ेक्ट देंगे तो आपके बड़े भाई बहनों को कष्ट दे सकते हैं, बड़े भाई बहनों से दूरी बना सकते हैं, बड़े भाई बहनों की तबीयत ख़राब हो सकती है, या दोस्तों से आपको एक टाइम पर डिटैचमेंट हो सकती है, मींस कि आपके लाइफ में दोस्तों से ही आपको धोखा मिल जाए, आप उनके लिए बहुत करें बट सामने से आपको धोखा मिले, ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखी गई है। अगर राहु कमज़ोर होते हैं आपके बर्थ चार्ट में, सपोज़ कि शत्रु राशि में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके संत महात्माओं के साथ नहीं जमती आप उनको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कोई गुरु है, कोई साधु है, कोई महात्मा है, कहते अरे ये तो ढोंगी है, अरे इसका तो कोई ज्ञान वन है नहीं, तो ऐसे में इसका राहु का इफ़ेक्ट डेफिनेटली आपके नाइन्थ हाउस पे जाता है। साथ ही साथ पिता से दूरी बन जाना, संतान होने के बाद लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आना, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चेंजेस, लीवर से रिलेटेड इश्यूज दे देता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इश्यूज दे देता है, कुछ ऐसे इश्यूज दे देता है जो कि डिटेक्ट ना हो जल्दी, ठीक है, जैसे कैंसर हो गया जो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता, ऐसी बीमारियां दे देता अपनी दशांतर दशा में। ऐसे जो जातक होते हैं इनको प्रॉपर्टी का केस भी परेशान करता है, प्रॉपर्टी इश्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि थर्ड हाउस से रिलेटेड है, ज़ुबान फिसलना, ज़ुबान तोतली होना, ये भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट देखा गया है, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाना, ऐसा भी कई बार देखा गया है, और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर राहु तीसरे भाव में हो तो कभी भी अपने भाइयों को एटलीस्ट लोन नहीं देना चाहिए, या किसी को भी अगर आप उधार देते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि वो वापस लौटेगा, ये भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट कहा गया है राहु के लिए। सो ये थी गाइस राहु इन थर्ड हाउस पे मेरी एक छोटी सी वीडियो, होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर आपका भी राहु तीसरे भाव में है तो पूरे वीडियो में आपसे कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट करी हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।